टीवी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों। आज जम्मू कश्मीर की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समारोह के लिए 16 अक्टूबर यानी आज सुबह 11:30 का समय तय किया है। उपराज्यपाल की तरफ से उमर को जारी चिट्ठी में उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया गया है। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नायब सैनी का एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना जाना तय माना जा रहा है। बता दें बैठक में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने सभी विधायकों को आज और कल चंडीगढ़ में रहने के निर्देश दिए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले SCO सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर वहाँ की सरकार ने अपनी स्थानीय पुलिस और रेंजर्स पर भरोसा नहीं किया है। सुरक्षा के दृष्टिगत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना की तैनाती की गई है। इन क्षेत्रों में विवाह हॉल, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लबों को आज भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि वे विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिकता पूरी की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस दौरान उनके साथ होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को विकिपीडिया की एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें वे सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दे रहे थे जिसका मकसद विकिपीडिया पर प्रकाशित एक विवरण को संपादित करने वाले व्यक्ति की पहचान उजागर करना था। वहीं आज इस मामले पर सुनवाई होगी। राजस्थान के जयपुर में आज सरकारी स्कूलों का समय बदल जाएगा। बता दें स्कूलों का समय सुबह 10 से शाम 4 का हो जाएगा, जिसके चलते शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया। देश भर में कार्यरत वन कर्मियों की खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय फलक पर पेश करने के लिए हर साल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन होता है। इसी कड़ी में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा 27वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद महोत्सव का आगाज आज से वन क्षेत्रों की प्रचुरता वाले राज्य छत्तीसगढ़ में होगा। संघाई सहयोग संगठन की शासनाध्यक्षों की परिषद CSC की 23वीं बैठक आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि बैठक में संगठन के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज से मेहरानगढ़ में 5 राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। हमेशा की तरह शुरुआत मसूरिया पहाड़ी पर बाल मेले से होगी। शाम के सिटी इवेंट जसवंत थड़ा पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें फ्री एंट्री हो। देश के कई राज्यों को अभी बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। वहीं मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट दिया है। विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड सहित कई जगहों पर भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1905 में आज ही के दिन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के आदेश पर बंगाल का विभाजन हुआ था। साल 1939 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटिश क्षेत्र पर पहला हमला किया था। साल 1948 में आज ही के दिन ओडिशा के 14वें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का जन्म हुआ था। साल 1951 में आज ही के दिन पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खां का निधन हुआ था। साल 1959 में आज ही के दिन राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें CNews भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।